नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, एक ऐसे विलन की जो आज तक ना ही बॉलीवुड में हुआ है और ना ही कभी होगा। तो आइए बात करते हैं अमरीश पुरी जी। फिल्मों में आने से पहले नौकरी करते थे अमरीश पुरी। 40 साल की उम्र में किया था डेब्यू। बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों की बात की जाए तो निश्चित रूप से अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले आता है। अपने अभिनय से अमरीश पुरी किरदारों को इतना जीवंत बना देते हैं कि असल जिंदगी में लोग उन्हीं नामों से जानने लग जाते हैं। बॉलीवुड के मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पाकिस्तान के लाहौर, तब अविभाजित भारत में हुआ था। 72 साल की उम्र में अमरीश पुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्मों में आने से पहले अमरीश पुरी बीमा कंपनी में नौकरी करते थे। अमरीश पुरी ने नौकरी के साथ ही पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया था। वह तो थिएटर में आने के साथ ही नौकरी छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने इसके लिए मना किया। बाद में जब उन्हें फिल्मों के लगातार ऑफर आने लगे तो उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। उन्होंने करीब 21 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अमरीश पुरी जब 22 साल के थे तो उन्होंने एक ऑडिशन दिया था, लेकिन निर्माता ने उनको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला है। बाद में उन्होंने 40 साल की उम्र में फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में एक ग्रामीण व्यक्ति का किरदार निभाता। फिल्म में उनके साथ सुनील दत्त और वहीदा रहमान थे। 80 के दशक में जाकर अमरीश पुरी की पहचान बननी शुरू हुई। बतौर विलेन उन्हें सबने नोटिस किया, लेकिन सुभाष गर्ग की विधाता 1982 में आई थी ये फिल्म, फिर वो छा गए। फिर अगले साल आई हीरो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमरीश पुरी के बगैर कोई फिल्म बनती ही नहीं थी। फिल्मों में उनके अलग अलग गेटअप किसी को भी डराने के लिए काफ़ी होते थे। अजोमा में वजीर आला, मिस्टर निया में मोगैम्बो, नगीना में भैरोनाथ, तेलका में जनरल डोंग का गेटअप आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। अमरीश पुरी ने करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनमें हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम और तमिल भाषा में फिल्में रही। अमरीश पुरी ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है।